अब कुछ बात करेंगे कोरोना के हवाले से। लाहौर में कोरोना के मजीद 67 केसेस सामने आ गए। शहर में मरीजों की तादाद 50,217 हो गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मौजी वायरस से 2 हलाकतें हुई हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सज्जाद कासमी से। जी सज्जाद कासमी, अपडेट कीजिए। 24 घंटे के दौरान कोरोना से लाहौर में 1 हलाकत जबकि पंजाब में 2 हलाकतें हुई हैं। इसी तरह अगर लाहौर में मरीजों की बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान 67 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और तादाद 50,217 तक पहुंच गई है। अगर पंजाब की बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान 115 नए मरीज सामने आए हैं और इस तरह कोरोना के मरीजों की तादाद 1,148 तक पहुंच गई है। लाहौर के अलावा अगर बात की जाए तो शेखुपुरा में 24 घंटों के दौरान 1, रावलपिंडी में 8, जेलम में 4, चकवाल में 1, गुजरावाला में 3, गुजरात 6, मुल्तान 4, खानेवाल 1, फैसलाबाद 2, टोबा टेक्सिंग 1, रहीम यारखा में 3 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह सरगोधा में 2, मियांवाली में 1, बहावलपुर में 2, डेरा गाजी खान में 3, राजमपुर में 2, साहिवाल में 2, उकाड़ा में 1 और पाकपतन में भी 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। कोरोना वायरस से मजीद 2 हलाकतें हुई हैं और पंजाब में अमवात की जो कुल तादाद है वो 2,245 तक पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना से 13,31,199 टेस्ट किए जा चुके हैं और कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद जो है वो 96,000 तक पहुंच चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।